सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए मोना सिंह चौहान जी, चूंकि मुख्यमंत्री की ओर से बहुत सारे आश्वासन दे दिए गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों की नजर इस बात पर है कि चुनौती बड़ी है और जल्द से जल्द उस चुनौती से पार पाते हुए लोगों को सबसे पहले आप सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाएं, कैसे आश्वासन देंगे आप? चित्रा जी, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। इट इज ए केस ऑफ इट्स ऑन काइंड, फर्स्ट केस ऑफ इट्स ऑन काइंड। और इसमें खास बात यह है, ये सब टेक्निकल चीजें तो अपनी जगह है ही, निरंतर आप लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये ग्लेशियर मटेरियल के ऊपर बसा हुआ है, मोरेन उसको टेक्निकली बोलते हैं, और ये जिसे केविंग इफेक्ट है, जिससे डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल होता है, जी ये सब उसके अंदर कारण है, कैविटीज फॉर्म होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पॉलिटिकल लोग चश्मा बदलते रहते हैं। अभी मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, वो ऐसे बात कर रहे थे कि पता नहीं ज्ञान चक्षु जब वो खुद सरकारों में तो क्यों नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, 1976-70 में ये केविंग इफेक्ट आना शुरू हुआ था, जिसे हम डेसिडेंस बोलते हैं। तो ये जो डेसिडेंस हुआ था, ये 70 में शुरू हुआ था, और बाकायदे बीसी मिश्रा कमेटी बनी जिसने 76 में अपनी रिपोर्ट दी। सो 46 इयर्स है पास सिंस देन। तो भैया, मिश्रा कमेटी ने कहा था कि यहाँ पे भारी प्रकृति का निर्माण नहीं होना चाहिए, आरसीसी का कम से कम होना चाहिए, तमाम सारे उपाय होने चाहिए, किसी पे क्यों नहीं ध्यान दिया? बाकायदा 1991 तक तो अनवरत तो रूप आपकी से सरकार है ना, कांग्रेस की सरकारें होती थी ना। ठीक है, मैं चलिए उस डिबेट में कांग्रेस नहीं पार्टी जाना की चाहता प्रवक्ता से मैं चित्रा पूछ जी, लूंगी, बिल्कुल बिल्कुल जाना चित्रा भी जी, नहीं मैं नहीं चाहिए जाना क्योंकि चाहता। अभी अभी पर मैं वो अभी ये मौका कह नहीं रहा है। हूं, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बहुत सिलसिलेवार ठीक है, तरीके से और भी कई बनाया सवाल है, मैं कि आपकी बात इमीडिएटली आऊंगी, जो लेकिन हमारे इमरजेंसी साथ थी, स्वामी राज्य चिदानंद सरकार ने सरस्वती जी महाराज बहुत जुड़ चुके हैं। क्विकली रेस्पॉन्ड किया, हाँ राज्य सरकार ने बहुत क्विकली रेस्पॉन्ड किया, जी, और तमाम सारे खतरे के जद में जो घर थे उनको इवैक्यूएट करने का काम किया हाँ किया जा रहा है। अब देखिए क्या है, एक बहुत इमरजेंसी अरेंजमेंट होता है जी जिसपे क्विकली रेस्पॉन्ड करना होता है, वो मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में राज्य सरकार ने तत्काल हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लाइटनिंग स्पीड से रेस्पॉन्ड किया। अब इवैक्यूएट कर दिया सेफर जगह पर, उनको शेल्टर देना, उनको ठीक फूड है सर, देना, उनको वस्त्र कंबल बर्तन इत्यादि देना। लेकिन मिड टर्म अरेंजमेंट जिसको हम कहेंगे, उसके लिए 4,000 प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस का ऑर्डर कर दिया गया, ठीक है। लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें मेरे राजनीतिक मित्र कह रहे हैं, वो मैं जरा कृपया पूर्वक, बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं। रीलोकेशन तक की बात ठीक होती है, जब हम रिहेबिलिटेशन की बात करती है तो माइंड यू कि रिहेबिलिटेशन केवल व्यक्ति का रिहेबिलिटेशन नहीं है, उसकी लाइवलीहुड का रिहेबिलिटेशन होता है, उसका पूरा इकोसिस्टम होता है, पशुपालन होता है, ठीक है खेती सर, बाड़ी होता आपकी है, बात समझ तो में आ वो गई। केवल नई जगह मनीष घर खरबूड़ी बना जी देने से से मैं इसका मात्र नहीं जवाब हो ले लेती हूँ, जाता। ठीक है, इसलिए सरकारें मुख्यमंत्री चाहे जी ने कांग्रेस की हो इस चाहे पूरे बीजेपी की अभियान हो, को 3 कैटेगरीज में बहुत बारीकी से ठीक है बांटा, सर, लेकिन और अभी इस समय सबसे देश की ज्यादा जो जरूरी यह नामचीन है कि जो शिमट में संस्थाएं जो हैं, जनता परेशान जियोलॉजिकल है, सर्वे जो ऑफ इंडिया बेबस है, है, जो लाचार वेल्यू है, रिसर्च जिसके आंसू इंस्टीट्यूट थमने का है, नाम नहीं ले जो रहे हैं, इंस्टीट्यूट सबसे ऑफ पहले उनको हाइड्रोलॉजी ढांढस है, बंधाएं, जो बॉडी उनके इंस्टीट्यूट ऑफ आंसू हिमालयन पोंछें जियोलॉजी है, और राज्य जो सरकार तमाम जल्द सारी से जल्द संस्थान है, उसके उनके विशेषज्ञ इस पे काम जो, कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं लौट और रही हूँ आपके अभी पास, तक कोई भी विशेषज्ञ फाइनलिटी के साथ ये नहीं कह ठीक है, पाया उमा भारती किसका जी भी कुछ कारण सलाह क्या दे है। रही हैं हाँ, सरकार को, मैं लौटूंगी सबसे उस बड़ी सवाल बात पर। निकल करके मनीष आई खंडूरी जी, वो तो कि कांग्रेस पार्टी वेल्यू पर ही एंड सवाल खड़े कर रहे हैं, जल्दी सुअर से इस पर का जवाब आप व्यवस्थित जवाब दे वजह दें, से। ठीक है सर, देखिए, समझ एक में तो आ गया मैं सर आपकी कहूंगा बात, कि समझ में ऑलरेडी आ गया। मुन्ना सिंह चौहान जो कह रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन का शायद मेरी अनप्रेसिडेंटेड आवाज नहीं रिस्पॉन्स। जा रही है उन तक, ठीक है मनीष जी, अपनी बात पूरी करें आप। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने, मेरे आदरणीय कलीग मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा है कि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी। अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन की भी अनप्रेसिडेंटेड सोल्यूशन होते हैं। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का जो रिस्पॉन्स है वो निराशजनक है और औपचारिक है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मात्रा पर्याप्त है। अगर मात्रा पर्याप्त है तो आप 4,000 या 5,000 रुपए का जब घोषित कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो हरीश रावत जी कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अगर आप रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, ये देखिए कि इन लोगों को कहाँ ले जाया जा रहा था। जो परिवार है आपको, जो उनको रिप्लेस किया है, जो होटल में ला के रखा है, वो कहाँ किया है? वो जोशीमठ में ही किया है ना आपने, नगर पालिका ने ही किया है ना। तो अगर डिजास्टर एरिया वो है और अगर क्रैक्स बढ़ना शुरू हो जाए तो उस परिवार को फिर आप कहाँ लेके जाएंगे? तो ये सोच है, ये एक प्लानिंग है और ये एक सोच है, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही ये दर्शा रही है कि भाजपा की जो सरकार है उन्होंने ये इसका प्रदर्शन किया है कि एक तो पिछले 2 साल से जो उनको बताया जा रहा है, रैणी ठीक में है जो सर आपदा आई थी उसके बाद जो बताया जा रहा है जी, उसका रिस्पॉन्स गलत है, और अभी जो भविष्य में भी होने वाला है मुझे नहीं लगता है हाँ कि ये इस पर हम रिलाय कर सकते।
चले ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं उस पर मैं बीजेपी से जवाब लूंगा।